आज हम बनाएंगे स्वाद और सेहत से भरपूर साबूदाना की खिचड़ी, जिसे अगर एक बार आप बना करके खा लेंगे ना, तो यकीन मानिए हर बार इसी तरह से बना करके खाएंगे। एकदम फ्लेवरफुल ये साबूदाना की खिचड़ी बन करके तैयार होगी। तो साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 1/2 कप साबूदाना लिए हैं। ये जो साबूदाना है वो मीडियम साइज के हैं, ना ही ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे साबूदाना, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पानी और इन साबूदाना को हम लगभग 3 से 4 बार पानी में एकदम अच्छे से वॉश कर लेंगे। इन साबूदाना को हमें पानी बदल करके तब तक वॉश करना है जब तक कि पानी डालने पर साफ पानी ना रह जाए। तो ये देखिए, पानी डालने पर एकदम साफ पानी रह गया है, यानी जो साबूदाना का स्टार्च है वो एकदम अच्छे से निकल गया है। और अब हम इसे पानी में भिगो करके रख देंगे साइड में। साबूदाना को हमने पानी से एकदम अच्छे से कवर कर दिया है और इसे लगभग 1/2 घंटे के लिए हम ढक करके साइड में रख देते हैं। तब तक हम आगे की प्रोसेस करते हैं। यहाँ मैंने टमाटर, आलू, अदरक और हरी मिर्च लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के। साबूदाना की खिचड़ी के लिए आप अपनी पसंद की वेजेस भी डाल सकते हैं इसमें। सबसे पहले हम आलू को इस तरह से पील ऑफ कर लेंगे और कट कर लेंगे। टमाटर को भी हम इसी तरह से फाइनली चॉप कर लेंगे, क्यूब्स में कट कर लेना है सभी चीजों को। यहाँ मैंने गैस पर एक पैन लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। देसी घी का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे मूंगफली के दाने, जिन्हें हम रोस्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने करीबन 50 ग्राम के करीब ये मूंगफली के दाने लिए हैं। साबूदाने की खिचड़ी में मूंगफली का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मुझे तो बहुत पसंद है। आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। मूंगफली को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई किया है और आप देख सकते हैं मूंगफली जो है वो एकदम अच्छे से फ्राई हो गई है, इसका जो छिलका है वो आसानी से निकलने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन रोस्ट की हुई मूंगफली को, फ्राई की हुई मूंगफली को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बचे हुए घी में हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा। इसी के साथ हम इसमें अदरक भी ऐड कर लेंगे। जो हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, इसे हमें इस तरह से कद्दूकस करके इसमें ऐड कर लेना है और जीरे के साथ अच्छे से भून लेना है। और जीरे और अदरक को अच्छे से भून लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू, जिसे हमने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था। आप देख सकते हैं इन आलू का जो साइज है वो मैंने मीडियम साइज का रखा है, ना ही ज्यादा छोटे किए हैं ना ही ज्यादा बड़ा साइज रखा है। आलू को हल्का फ्राई कर लेने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्च और टमाटर भी ऐड कर लिए हैं, जिसे भी मैंने लगभग 1 से 2 मिनट तक पका लिया है। और आप देख सकते हैं हल्के सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। नमक को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और साथ ही खिचड़ी में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट देगा, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा ये, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। तो काली मिर्च पाउडर को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको इसमें मिर्च मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। मसालों में मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च पाउडर का ही यूज़ किया है और अदर कोई हम मसाला इसमें नहीं ऐड करेंगे जो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब हो। एकदम से सेहत से भरपूर ये खिचड़ी बन करके तैयार होगी। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे साबूदाना, जिसे हमने पानी में भिगो करके रखा हुआ था। साबूदाना का जो पानी है वो मैंने छान करके अलग कर लिया है। अब हम लगभग 1 से 2 मिनट तक साबूदाना को इन सब्जियों के साथ भी हल्का फ्राई कर लेंगे, जिससे जो साबूदाने की खिचड़ी है वो एकदम खिली खिली बने, साबूदाना आपस में चिपके ना और बहुत अच्छा टेस्ट भी दे। साबूदाना को हमने इसमें एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैं यहाँ पर 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ, जिससे आपकी जो ये साबूदाने की खिचड़ी है वो एकदम सूपी स्टाइल में बनेगी, जिसे आप पी भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा यम्मी बनेगी, आप सभी एक बार ज़रूर ट्राई कर देखिएगा। अगर आपको सूपी स्टाइल नहीं पसंद है, थोड़ा ग्रेवी कम रखना चाहते हैं तो आप इस खिचड़ी की, तो आप इसमें 1 कप पानी कम डाल सकते हैं, 2 कप पानी से ये खिचड़ी बना सकते हैं। या फिर एकदम खिली खिली खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें सिर्फ 1.5 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो पानी ऐड कर लेने के बाद अब हम इसे ढक करके लगभग 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे और 4 से 5 मिनट के बाद लिड को हम हटा लेंगे। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है ये खिचड़ी। साबूदाना जो है वो एकदम अच्छे से पक भी गया है, मैं आपको इसे चेक करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो साबूदाना है वो एकदम अच्छे से मैश हो रहा है। आपको इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना जो ये साबूदाना है वो अपनी शेप ही खो देगा। तो इसलिए आपको इसे एकदम सही होने तक ही पकाना है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा पका लिया, ट्रांसपेरेंट ही करना है सभी साबूदाना को, इसलिए ज़्यादा पका लेंगे तो आपकी खिचड़ी जो है वो एकदम से आपस में मैश हो जाएगी, जो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देगी। साथ ही जो आलू है वो भी
एकदम अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई मूंगफली के दाने, जिसे हमने पहले ही फ्राई करके रखा हुआ था। मूंगफली के दाने इस खिचड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, इसकी जगह काजू भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रेश हरा धनिया है तो वो भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट देगा और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा हरे धनिये का। तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। ये जो खिचड़ी है वो बनकर के तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसमें हम एक नींबू का रस भी ऐड कर लेंगे, जो इस खिचड़ी का जो टेस्ट है वो और भी बढ़ा देगा और एकदम डिलीशियस खिचड़ी बनकर के तैयार होगी। अगर एक बार आप इस खिचड़ी को चख लेंगे ना, तो इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगे और हर बार इसे ही बना करके खाएंगे। सेहत से भरपूर ये खिचड़ी बनकर के तैयार हो गई है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी साबूदाना की खिचड़ी की रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप हमारी हर नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आप इस स्वादिष्ट डिलीशियस सूपी खिचड़ी का मजा लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।